कौन और पार्लर का पता चल सकता है जहां भावनाओं के अनुरूप इस सुग्रीव किला में आज भव्य राजगोपुरम का एक भव्य अनावरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है और इस कार्यक्रम में मुझे यहां पर आप सबके साथ मिलकर के सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए जगतगुरु रामानंद परंपरा से जुड़े हुए सुग्रीव किलाधीश पूज्य स्वामी विश्वेश कृपणाचार्य जी महाराज और उनके सभी सहयोगियों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देते हुए उनका निमंत्रण करता हूं। सुग्रीव किला की अपनी महत्ता है। अयोध्या में इस स्थान का संबंध जगतगुरु एक सिद्ध योगी देवराहा बाबा से ही रहा है और यहां की पौराणिक महत्ता भी हम सबको सर्वविदित है। ये मान्यता है कि जब यहां पर भगवान राम अपने वनवास के लिए जा रहे थे तो यहां की व्यवस्था का दायित्व उन्होंने भरत जी को सौंपा था। भगवान राम के आगमन के पूर्व जो भी यहां पे मणि और खजाना था उसमें से जो उन्होंने भवन बनाया उसे देख करके भगवान राम अभिभूत थे और उसमें उन्होंने निवास के लिए सुग्रीव जी को ही वह भवन दिया था और जिससे सुग्रीव किला के नाम पर यह पूरा क्षेत्र और यही कारण है कि जब यहां पे मंच पर जगतगुरु स्वामी रामानुजाचार्य अंडवन परमहंस स्वामी जी महाराज का उद्बोधन चल रहा था या जगतगुरु स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य अपने अभिभाषण को यहां पर रख रहे थे तो मुझे लगता है कि उन्हें सुग्रीव जी की सेना के द्वारा उनका आह्वान भी किया जा रहा था। क्या आप शांति से इस व्यवस्था का संचालन करिए बाकी को सभी इसमें आपके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहां पर जब सुग्रीव किला में हम लोग इससे पहले आते थे बहुत संकरा रास्ता था और अब तो प्रशस्त मार्ग बन गया है। मैं उसी बात की बधाई दे रहा था, एक ओर से नहीं दो दो ओर से आ गया, इसलिए अब तो उनको प्रसन्न रहना चाहिए और यहां आने में कोई बाधा भी नहीं होगी। सभी लोग प्रसन्न होकर के जो हम सबका संकल्प था, पूरे सनातन धर्मावलंबियों का संकल्प था कि 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक अयोध्या में ढांचा समाप्त हो, रामलला विराजमान हो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में यह कार्य संभव हो पाया है। उच्च संतों का जो भाव था यह कार्य संभव हो पाया है। उच्च संतों का जो भाव था, अनेक परंपराएं थी जो केवल एक काज के लिए अपने आप को समर्पित की और राम काज के लिए, और वह संकल्प की पूर्ति होना ही हम सबके जीवन का सबसे बड़ा ये अवभाग्य है कि जिस कार्य के लिए पीढ़ियां समर्पित होकर के अपने आप को बलिदान कर दी उस कार्य को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने सामने मूर्त रूप होते हुए उसको देख रहे हैं। अयोध्या एक भव्य स्वरूप ले रही है। आज की अयोध्या में
न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण है, बल्कि अयोध्या अब दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अपने आप को स्थापित करने ये जो सब कुछ हो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये सनातन धर्म का एक स्वरूप भी है। सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं का मूर्त रूप भी है और इसका संरक्षण करना, इसको सुरक्षित रखना, अनंत काल तक इसको बनाए रखना अयोध्या वासियों का दायित्व भी है। आज यहां आश्रमों के भव्य स्वरूप हो रहे हैं, सुग्रीव किला के राज गोपुरम का भव्य स्वरूप उसी श्रृंखला का हिस्सा है। अभी हम लोग उसी मार्ग से ऊपर आए हैं इस कार्यक्रम में आने के पहले, और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में अयोध्या के लिए और भी वह सब कुछ होगा। आप याद करिए, आज से हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, उसके बाद अयोध्या में एयर कनेक्टिविटी लगभग ना के बराबर थी और अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी अभी तो देश के लिए और आने वाले समय में दुनिया के तमाम देशों के लिए भी अयोध्या से वायु सेवा रहेगी, उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा, अयोध्या वासियों को प्राप्त होगा, देशवासियों को प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, ये सब चीजें हमें इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि अयोध्या में 500 वर्ष पहले जो कुछ भी घटित हुआ या देश के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबियों को अपमान झेलना पड़ा, उसका कारण कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर होगी। और कोई भी सभ्य संस्कृति या सभ्य व्यवस्था अपनी गलतियों का परिमार्जन जितना समय रहते हुए कर ले, बीमारी का उपचार जितना समय रहते हुए हम कर लेते हैं, तो वह असाध्य होने से बच जाती है। अगर किसी को सामान्य खांसी भी हो और उस सामान्य खांसी को अगर आप समय लेते उपचार में ही करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको बढ़ाने के लिए एक स्पेस दे रहे हैं और फिर वही लंग्स को प्रभावित करेगा, फिर वही व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस से प्रभावित कर सकता है, तमाम अन्य बीमारियों को वहां आमंत्रित कर सकता है। खांसी का कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमें उसका उपचार समय रहते करा देना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई छोटा सा फोड़ा है तो समय रहते उसका उपचार, उसका कारणों में जाना, फिर उसके निवारण के लिए आवश्यक उपचार की व्यवस्था करना। अगर आपने समय रहते नहीं किया तो हो सकता है एक बार वो बड़ा घाव बन सकता है, एक बड़ा कैंसर का रूप ले सकता है, अल्सर बन सकता है। ऐसे ही समाज की स्थिति है, समाज को भी कहीं पर कोई कमी है, फूट पड़ रही है, मतभेद खड़े हो रहे हैं, समय रहते उसके उपचार की व्यवस्था होना। और अगर उपचार की व्यवस्था हम समय रहते उसका परिमार्जन कर लेते हैं तो एक लंबी यात्रा के लिए फिर हम उसका ओवरऑलिंग कर लेते हैं, एक लंबी यात्रा के लिए हम उसको तैयार कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको देख करके अनसुना कर दें, याद रखना वही बाद में कैंसर का रूप लेता है और फिर असाध्य भी हो जाता है। और कुछ ना कुछ ऐसा ही हमारे समाज के साथ भी हुआ। विधर्मी चंद लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे, उनके पास ताकत नहीं थी, उनके पास सामर्थ्य नहीं थी, उनके पास धन बल भी नहीं था, उनके पास बुद्धि बल भी नहीं था,
उनके पास भौतिक बल भी नहीं था, लेकिन तब भी वे हम पर हमला करने में सफल हुए, हमारे तीर्थ स्थलों को पवित्र करने में सफल हुए, हमारी मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने में सफल हुए, देश को गुलाम बनाने में सफल हुए। एक लंबे समय तक कई पीढ़ियों ने गुलामी के माहौल में अपना जीवन यापन करके धराधाम को छोड़ करके चले गए और अपमान की उस दास्ता को झेलने के लिए हम सब मजबूर रहे। आज मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, धर्म हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। समय समय पर बनी हमारी स्मृतियां इस समाज का मार्गदर्शन करती रही है, समाज को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है, और जब भी हमने इसकी अनदेखी की उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। और मैं इसीलिए आपसे कहता हूं, इतिहास की गलतियों की पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिए यह समय की मांग है। याद करिए, 500 वर्षों से सनातन धर्मावलंबी अयोध्या के लिए आंदोलन करता रहा, लाखों की संख्या में मारा गया, बलिदान हुआ, कई कई पीढ़ियां केवल एक संकल्प के साथ कि अपने जीवन में एक ही संकल्प था कि मैं अयोध्या में रामलला को विराजमान होता हुआ देख लूं, लेकिन वे अपने उस संकल्प को मूर्त रूप लेते हुए नहीं देख पाए। लेकिन जब पूरा समाज एकजुट होकर के लड़ाई लेता है, एक भाव के साथ बोलता है, एक साथ एक प्रकार की सरकारें केंद्र और राज्य में आती हुई दिखाई दी और एक साथ आई, जो समस्या 500 वर्षों से समाधान नहीं हो रही थी, मात्र 2 वर्ष में उस समस्या का समाधान हो गया, मात्र 2 वर्ष। और मैं यही कहने के लिए आ रहा हूं, ये 2 वर्ष के अंदर जिस समस्या का समाधान हो सकता है, अगर 500 वर्ष पहले भी यही एकता का परिचय दिया होता तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण समस्या हमारे सामने आती नहीं, जो 500 वर्षों तक हम लोगों को झेलना पड़ा था। इसलिए गलतियों का परिमार्जन होना समय की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के उस दुष्ट प्रवृत्ति को जो हमारे बीच में विखंडन की स्थिति पैदा करती हो, बिखराव की स्थिति पैदा करती हो, समाज को और राष्ट्र को कमजोर करती हो, उससे अपने आप को अलग करना, ऐसे तत्वों को बेनकाब करना, समाज में ऐसे तत्वों को पूरी तरह अलग थलग करना और समाज को फिर से सन्मार्ग पर लेकर के चलना, यह धर्म का काम होना चाहिए। और धर्म जब भी अपनी इस जिम्मेदारी का परिचय देगा तो दुनिया की कोई ताकत सनातन धर्म के सामने टिक नहीं पाएगा। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए इन्हीं मूल्यों के लिए पूज्य देवरा बाबा ने, इन्हीं मूल्यों के लिए पूज्य पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। पूज्य पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के सानिध्य में हम लोगों को एक लंबे समय तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। कितना वात्सल्य उनके अंदर झलकता था, क्या दिव्यता थी। और किसी भी आयोजन में बुलाओ, बड़ी सहज भाव के साथ आते थे, कहीं कोई अहंकार नहीं, कहीं कोई दुराव नहीं, कहीं पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। हमें याद रखना है, अयोध्या कोई पहचान बनानी पड़ेगी, हमारे धर्माचार्यों को इसके लिए अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, अयोध्या को प्रभु श्री राम के आदर्शों की अयोध्या बनानी पड़ेगी, इसके लिए चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जब हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, याद रखना, दुनिया के सामने अयोध्या को सबसे सुंदरतम नगरी बनने में कोई देर नहीं लगेगी, जिस दिन अयोध्यावासी और अयोध्या के कर्मचारी इस संकल्प का साथ देंगे। मैं आज इसके लिए जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनके अनुयायियों का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने पूज्य गुरु जगत गुरु
रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी के संकल्प को आज एक मूर्त रूप देकर के सुग्रीव किला के इस राजगोपुरम को आज एक भव्य स्वरूप देकर के आज उसका अनावरण का कार्यक्रम किया है। मैं इसके लिए उन्हें, उनके पूरे अनुयायियों को और अयोध्या वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और जो भव्य स्वरूप आपने सुग्रीव किला को दिया है, मुझे पूरा विश्वास है ऐसा ही भव्य स्वरूप अन्य धर्म स्थलों पर भी, अन्य हमारे जितने भी जगत गुरु हैं, पूज्य संतगण हैं, वे भी अपने अपने स्थलों को अयोध्या की तरह ही सजाने संवारने में अपना योगदान देंगे। सरकार भी इसमें सहयोग दे रही है, वे भी अपने स्तर पर आगे बढ़ते हुए कार्य करेंगे। अयोध्या में सुंदर मंदिर बनाने में सफलता प्राप्त होगी। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। पहुंचे थे सुग्रीव किला, पहुंचे जहां पर उन्होंने मूर्तियों का अनावरण किया और वर्षों बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। तमाम सारी उपलब्धियां गिनाई, तमाम साधु संत भी इस वक्त मंच